मेयर नवीन जैन कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं और सभी कोरोना मरीजों के घर तक भोजन व दवाइयां पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार हो रहे प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सैकड़ों लोग प्रतिदिन कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे कई घर हैं जहां पति पत्नी दोनों या फिर पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ चुका है। ऐसी स्थिति में होम आइसोलेशन में रहने वाले दंपति पूरे परिवार के सामने ऐसा संकट खड़ा है कि वह चाहकर भी अपने और अपने लिए दवाई खाने पीने का सामान या अन्य सामग्री का इंतजाम नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों व परिवार की मदद करने के लिए महापौर नवीन जैन ने उनके घर तक मदद करने का बीड़ा उठाया है। मेयर ने बताया कोरोना संक्रमित और होम आइसोलेशन कर रहे परिवार की मदद करने हेतु उनके घर तक दवाई खाना पीना व अन्य जरूरी सामान को ध्यान में रखते हुए किट तैयार की गई है। इस किट में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीज के लिए दवाइयां, थर्मामीटर, भाप केतली और मास्क व सैनिटाइजर रखा गया है, क्योंकि ऐसे घर हैं जहां पर पूरा परिवार या बुजुर्ग दंपति अन्य भी कोरोना संक्रमित और उनके सामने खाना बनाने का संकट है, तो वे ऑन डिमांड पर उनके घर पर निःशुल्क किट और पैकेट भेजने की डोर स्टेप डिलीवरी भी निःशुल्क की जाएगी। ऑन डिमांड ये किट और पैक्ड भोजन निःशुल्क मंगाने के लिए कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 7906018180। दूसरा नंबर है 8384838618। तीसरा नंबर है 9837280505। चौथा नंबर है 8057501566। 9837274002। 9756208543। 9359932326। 7599356294 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें पता RT-PCR की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट और अपना आधार कार्ड का फोटो व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने का समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा, ताकि अगले दिन डोर स्टेप डिलीवरी कर सकें। महापौर ने शहर की सभी जनता से अनुरोध किया है, सड़कों पर निकलने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर मास्क दिखना चाहिए। बहुत ही आवश्यकता होने या इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकलें। उम्मीद है कि जिला प्रशासन निरंतर शहर में आ रही प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। वहीं आम जनमानस भी शासन का पूरा साथ देगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन करेगा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार। दुनिया में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को देखते हुए और जैसे भारत, उत्तर प्रदेश और मेरा आगरा भी अछूता नहीं है, जिस पर तेजी से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, वो एक चिंता का कारण पूरे देश के लिए है। और आगरा में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। मैंने देखा कि पिछले दिनों में कि ऐसे लोग जिनके माता पिता आगरा में रह रहे हैं, उनके बच्चे आगरा में नहीं हैं और आगरा से बाहर हैं, कई विदेशों में भी हैं, और वो कोरोना से पीड़ित हो गए। ये कोरोना पिछले कोरोना से अलग है। पिछली बार कोरोना एक परिवार में एक व्यक्ति को हो रहा था और वो ठीक होकर वापस आ रहा था, बाकी लोग बच रहे थे। लेकिन अभी जो नया कोरोना आया है, इसमें अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को कोरोना हो रहा है तो वो पूरे परिवार को अपने कोरोना की चपेट में ले रहा है। उसके कारण से रोजाना खाने पीने की व्यवस्था भी की एक समस्या परिवारों में एक चिंता का विषय बन गया है। जिनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनके यहाँ तो भोजन परिवारों में पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी के यहाँ पर नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है, उनके यहाँ भोजन की समस्या है। कि उनके यहाँ पर कोरोना किट, जो दवाइयाँ आवश्यक दवाइयाँ हैं, उनकी एक समस्या बन रही है। तो एक हमने कोरोना किट तैयार की है, उसमें हमने जो एक सप्ताह के लिए कोरोना से संबंधित जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर की सलाह पर, वो हमने किट को बनाया है। उसमें हमने एक सैनिटाइजर रखा है, उसमें अपने मास्क रखे हैं, उसमें एक थर्मामीटर रखा हुआ है, उसमें हमने भाप लेने की, जो बहुत ही आवश्यक एक उपकरण बन गया है इसके लिए कोरोना के लिए, तो हमने भाप लेने की एक मशीन भी रखी हुई है, उसमें 3 टाइम भाप लें। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों का भोजन की भी एक समस्या है, उनके भोजन की थाली को पहुँचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं, जो सारी सेवाएँ निःशुल्क रहेंगी।